लाची, उस अग्निकांड के पीछे पुरुष था या नहीं, परंतु मेरी इन आंखों ने जो देखा और समझा उसके अनुसार मैं आश्वस्त हूं कि पुरु एक राजकुमार है जिसके अपने कुछ उत्तरदायित्व है उसकी साम्राज्य की ओर। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे कुछ कर्तव्य है दस्यु साम्राज्य की ओर, परंतु आज तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम ना ही पुरुष से मिलोगी और ना ही हमारे योजना के विषय में उसे कुछ बताओगी। वचन दो, क्योंकि अब हम दस्युओं का बहुत कुछ दांव पर लगा है। किंतु माँ, एक बार पुरु से बात करना आवश्यक है। बात होगी, परंतु हमारी योजना पूर्ण होने के पश्चात। और अगर तुम्हें स्वीकार नहीं तो तुम वापस लौट सकती हो। ठीक है मां, मैं आपको वचन देती हूं, जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता मैं पुरु से मिलूंगी नहीं और ना ही उससे कोई बात करूंगी। और अब हम सबको अलग अलग बहुत ही समझदारी से भीड़ में मिल जाना है और पौरव राष्ट्र के अन्न और आपूर्ति भंडारों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना। और हाँ, ये भी पता लगाना है कि होली के दिन महाराज बमनी किस समय अपने महल से निकलेंगे। समझ गए? हाँ महारानी। ये पोसेनियस है, शाह फिलिप का सबसे वफादार मुहाफिज। जितना वफादार उतना ही खूंखार। कई बार अपनी वफादारी का इम्तिहान दे चुका है, अब तुम्हारे इम्तिहान की बारी है। कमाल है, एक मर्द औरत को हमेशा कमजोर मानकर उस पर जुल्म करता है, पर एक औरत ही है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है?